नमस्कार आयु ब्लेस आयुर्वेदा व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शबनम चौहान, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मदर्स आती हैं कंप्लेन लेकर कि उनके बच्चे की मेमोरी वीक है। उन्हें रात को लेसन याद करवाया जाता है लेकिन सुबह टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उन्हें याद नहीं रहता, या होमवर्क वो टाइम पर नहीं कर पाते, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, या उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो वीक है, जल्दी से वो न्यूमेरिकल्स और मैथ्स के जो सम हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये एक आम समस्या है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं कि इस समस्या का हल क्या है, तो इस समस्या का हल आपके पास है और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। सबसे पहले बच्चों का जो माइंड डाइवर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल देखने में आ रहा है वो है मोबाइल। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके अगर उन्हें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाया जाए तो उनका ब्रेन उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज होना शुरू होगा, उनकी लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होनी शुरू होगी। सेकेंड थिंग इज़ ब्लड सर्कुलेशन। ब्रेन में जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्रेन की जो रिटेंशन कैपेसिटी है, याद रखने की क्षमता है, वो अच्छी होगी। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बच्चों को कम से कम आधे से एक घंटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। तीसरी चीज़ है डाइट। डाइट में जितनी तीक्ष्ण चीज़ें जो होंगी, तेज और ब्रेन टॉनिक्स होंगे, वो अच्छे रहेंगे। नॉर्मल डाइट में ब्रेन टॉनिक्स ढूंढना जो है बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसमें आप एडिशनल टॉनिक या एडिशनल पाउडर बना सकते हैं। एक चौथाई चम्मच दालचीनी, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच अश्वगंधा आप गर्म दूध में मिक्स करके रात को सोने से पहले बच्चे को दें, तो धीरे धीरे उसका जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होनी शुरू होगी, उसकी एक्टिविटी, उसकी ऊर्जा, उसकी स्फूर्ति वो इम्प्रूव होनी शुरू होगी, तो बच्चा और एक्टिव और इंटेलिजेंट होता जाएगा। अपनी और अपने परिवार की कोई भी समस्या आप मुझे भेज सकते हैं।